बैक टू माई YouTube चैनल। होप आप सब अच्छे से होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ घूमने। और थंबनेल और टाइटल से तो आपको समझ ही आ गया होगा कि मैं आज घूमने जाने वाली हूँ अपने ब्रदर्स के साथ। सो ब्लॉग को एंड तक देखना और प्लीज़ बीच में स्किप मत करना कोई भी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशंस मिल जाए। सो लेट्स गो, कम। था जीरकपुर के रोड, तो हम जीरकपुर बस पहुंचने वाले थे, थोड़ा ही सा दूर रह गया था जीरकपुर हमें। और मौसम मतलब गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, पर क्या करें, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। सो तो ये फैक्ट्री आउटलेट है जीरकपुर में, तो हम यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए थे। सो वी वर एट द लोकेशन जहाँ पे हमें आना था। तो देन वी वेंट टू द नाइकी शोरूम। हमें शूज़ लेने थे, तो हम यहाँ पे शूज़ की कलेक्शन चेक करने आए थे। और यहाँ पे कलेक्शन भाई इतनी सही कलेक्शन थी, बहुत सही कलेक्शन थी। हम जस्ट यहाँ पे ढूंढ रहे थे कि कौन सा शूज़ अच्छा लगे। इतने ज़्यादा ऑप्शन थे ना कि मतलब बंदा कन्फ्यूज़ हो जाए कि कौन सा लें कौन सा नहीं लें। एवरी थिंग वॉज सो गुड, सो गुड। अगर आप सब भी जीरकपुर में हो तो प्लीज़ जस्ट चेक आउट द ऑल द स्टफ्स एंड एवरी थिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा था यहाँ पे कलेक्शंस वगैरह। तो ये शूज़ थे अलग अलग, इसके सही था सब कुछ। हम यहाँ पे जस्ट ढूंढ रहे थे कि चलो कोई अच्छा मतलब पसंद आ जाए हमें अच्छा सा। सो यहाँ पे वुमेंस एज वेल एज मेंस, मीन जस्ट ऑसम कलेक्शन। आई जस्ट लव्ड इट, आई फेल्ट इन लव। सो देन वी वेंट टू एसेक्स शोरूम। यहाँ पे भी हमें शूज देखने थे, हम शूज पसंद करने आए थे यहाँ पे भी। हमारी शॉपिंग वगैरह हो गई थी, हमने शूज़ लेने थे तो हमने शूज़ वगैरह ले लिए। सो हम वी वर हेडिंग बैक नाउ होम यार। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, बाय गॉड से मतलब पूछो मत। हेलो, फिर यहाँ पे मैं वेट कर रही थी अपने ब्रदर्स का, क्योंकि वो कुछ सामान लेने के लिए गए थे। तो फिर आई वॉज गेटिंग बोर्ड, सो मैंने सोचा चलो ऐसे ही कुछ शूट कर लेती हूँ, थोड़ा टाइम निकल जाएगा, टाइम पास हो जाएगा। तो बस ऐसे बैठे बैठे फिर उसके बाद हम गए जूडियो में, क्योंकि बड़ा ज़्यादा चल रहा था जूडियो। जूडियो देख लेना, पर लेना मत बोल।
हम गए फिर मेंस कलेक्शन में कि चलो मेंस कलेक्शन में क्या क्या है, इनकी कलेक्शन देखते हैं, चेक करते हैं, क्योंकि वैसे भी आजकल बड़ा ज़्यादा चल रहा है जूडियो। तो हमने भी डिसाइड किया चलो ठीक है यार, देखाते हैं ऐसा भी क्या है जूडियो में। तो फिर हम जस्ट देखने आए थे, हम मेंस कलेक्शन में थे। फिर हमने शर्ट्स वगैरह देखी, हमने शूज़ देखे, 1000 रुपीज़ के शूज़ थे। ठीक है कलेक्शन, वैसे तो ना ज़्यादा बुरा है ना ज़्यादा मतलब वो है कि मतलब जैसे हम जितना प्राइस है ना उसके अकॉर्डिंग में अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। आप सब लोग भी हो यहाँ पे, आपके नियर बाय है जूडियो, तो आप ज़रूर विज़िट करना, उनकी कलेक्शन चेकआउट करना। मेंस भी है, वुमेंस भी है, किड्स भी है। और हाँ, ये वाइट शूज़ ये तो मुझे इतने पसंद आए थे, सच में ये 800 प्राइस है इसका, पर बेस्ट थे ये शूज़ रियली। मतलब इनका फ़ायदा है लेने का, मैं तो ये बोलती हूँ। फिर जस्ट हम ऐसे इधर उधर देख रहे थे, कलेक्शन देख रहे थे कि क्या क्या और क्या क्या है जूडियो में, शर्ट्स वगैरह। बस मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, जो थोड़ा बहुत था वही सब शूट किया मैंने, थोड़ा बहुत ही जैसे। तो फिर जस्ट हम देख रहे थे कि क्या क्या है। ये शर्ट्स वगैरह देखी, फिर उसके बाद हम गए चाय सुट्टा बार में कि चलो चाय पीने का बड़ा ज़्यादा मन था, तो फिर हमने सोचा कि चाय पीते हैं। और बाहर मौसम भी चाय वाला हो रहा था, बड़ा सही वाला मौसम हो रहा था। पूरा दिन तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट फिर शाम को ना ऐसे बड़ा ख़तरनाक वाला मौसम हो गया, बारिश जैसा मौसम हो गया। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो चाय पीते हैं, तो हम चाय सुट्टा बार आ गए। वीडियो बना रहा हूँ मैं। वेटर, ओ मेरा वेटर, मेरा ब्लॉग शूट होता है। हेलो फ्रेंड, चाय पी लिया। फिर चाय वगैरह पीने के बाद हम निकल गए सुखना लेक के लिए। हमने सोचा कि चलो वहाँ पे भी घूम आते हैं, अब घूम ही रहे पूरे दिन से, तो चलो फिर सुखना लेक भी चल पड़ते हैं। तो और फिर रास्ते में बारिश लग पड़ी भाई, अल्टीमेट। मतलब मौसम ठंडा हो गया था, क्योंकि दिन में तो इतनी ज़्यादा गर्मी और आजकल तो ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो गई ना कि पूछो मत। और बस हम चलते गए और बारिश भी बहुत तेज़ होगी बारिश, पर सही में मज़ा आ रहा था। फाइनली हम सुखना लेक पहुँच गए थे। फिर ये हम चढ़ रहे हैं ऊपर स्टेयर्स से, और वेदर जस्ट व्यू देखो, जस्ट इन्जॉय द व्यू, इतना सही व्यू था। और बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, बहुत रश था सच में। उसके बाद हमें लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो हम पंचकुला में मॉल में गए कि चलो ठीक है डोमिनोज जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं। तो फिर यहाँ पे हमारी बिलिंग हो रहा था, पर्ची कट रही थी हमारी गाड़ी की, अंदर जा रहे थे। फिर हम वैसे वैसे अंदर गए, पूरा मॉल घूम लिया। हम ढूंढ रहे थे कि डोमिनोज़ का है, पर फिर हमने एक अंकल से पूछा तो उन्होंने बोला हमें कि यहाँ पे डोमिनोज़ तो बंद हो गया है। तो फिर क्या करते, फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है चलते हैं। तो फिर हमने सोचा एडिडास की चलो स्पेस के शोरूम में देखते हैं, यहाँ की कलेक्शन भी देख लेते हैं। तो फिर हम यहाँ पर कलेक्शन देखने, काफ़ी अच्छा था यहाँ का कलेक्शन भी, ये भी एक फैक्ट्री आउटलेट की जैसे ही है इधर भी। तो फिर हम फाइनली, हमें डोमिनोज़ मिल गया सेक्टर 15 पंचकुला में। हम आगे थे खाने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और फिर उसके बाद खा पी के हम निकल गए घर की ओर, क्योंकि पूरा दिन हो गया था हमको घूमते हुए, पर मज़ा बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया। फिर हम लास्ट में, हमने सोचा
चलो भाई लास्ट में चाय पीते हुए चलते हैं। डैट वॉज ऑल अबाउट टूडे। होप आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इट इज माई सेकेंड ब्लॉग, सो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और हाँ शेयर भी जरूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।